हुसैनी आला प्लेस पे है और अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक वो हमारे पास आए नहीं है। हमने उनके बारे में कंप्लेन लिखाई है। मैं मीनाक्षी सुगंध और हमारी पूरी बहन बेटियों के ऊपर उसने आवाज उठाई है। हमारी पूरी बहन बेटियों को उसने गाली दी है। उसके लिए उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं कौन से समाज से क्या क्या हम स्वर्णकार समाज तो जो आपको जो गाली दी एक क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की तरफ से है हम लोग। नहीं कौन गाली दिए कौन नरेंद्र मायाज ने हमको गाली दी। नरेंद्र मायाज के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नरेंद्र मायाज का आ नहीं रहा है। हमने उसके बारे में कंप्लेंट भी लिखवाई है। नहीं भाई वो आप ही के समाज के है। हाँ वो हमारे ही समाज से है और हमारे समाज से इसलिए गाली दी है क्योंकि अभी चुनाव के लिए इलेक्शन किए गए थे और उस इलेक्शन के दौरान जो है वो क्या नाम है महेंद्र जी कड़े ठहरे हुए थे। वो जीत कर आए हैं और जो पुराने अध्यक्ष है वो अपना पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े को बंद किया जाए और ये जो बहन बेटियों के ऊपर गालियाँ हो रही है ये भी बंद किया जाए और जो हमारे बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं भवन के बाहर वो भी बंद किया जाए। समाज से बात कर रहे सरोजनी सुगंध जो आज के हमारे समाज में जो व्हाट्सएप ग्रुप में गाली गलौज की कहानी हो रही है बहुत गंदी है और शर्मनाक है हमारे समाज के लिए हमारे नारी के लिए। आज हमारे सुगंध परिवार को गाली दिया है वो नारी समाज का अपमान करा है। कल तक उसे अपने खुद के नारी समाज का अपमान होएगा जो उसको समझ में आएगी क्या? और ऐसा नहीं करना चाहिए समाज के घर परिवार को जो समाज में रहता है उसको समझदारी से बात करना चाहिए था। और जो ये करा है ना बहुत गंदा काम करा है। सबको शर्म आ रही है यहाँ तक पीएस को भी शर्म आई की क्या बात कर रहे हैं बोलकर। तो ये नहीं होना चाहिए। आके हमारे से माफी मांगे और लिख के दें कि हम कोई भी नारी का ऐसा अपमान नहीं करेंगे और जो भी हुआ मेरे से गलती से हुआ ऐसा बोलो हम आगे सोच के बोल देंगे। मेरा नाम कोमल कुकरा है। मैं मैट क्षत्रिय समाज की बेटी हूँ और भाऊ हूँ। उसने आज एक औरत को गाली दी है। वो सुगंध परिवार की औरत ही नहीं वो हर किसी को औरत को गाली लगी है उसकी। वो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो पैदा हुआ किससे पैदा हुआ? उसको अभी एक माँ ने जन्म दिया है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी औरत को गाली दे। वो किस मुँह से हमारे पास आएगा हमारे सामने ठहरेगा आज के बाद किस मुँह से आएगा वो हमारे पास? अगर उसको शर्म रहेगी तो वो हमारे सामने अपना मुँह नहीं दिखाएगा कभी। उसको आगे के लिए सोचना पड़ेगा और वो माफी हम देंगे नहीं देंगे वो हम सोचेंगे। उसको माफी मांगना पड़ेगा। अरे वो सीनियर सिटीजन हो के इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है हमारे खिलाफ? और ये आदमी है सोनी। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज हैदराबाद सिकंदराबाद से। मैं आज यहाँ हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन आई हूँ क्योंकि एक हमारे समाज के ही व्यक्ति ने हम औरतों को बहन बेटियों को जितने भी हमारी समाज की जितनी भी वरिष्ठ औरतें हैं मेड छतरानियाँ उन सभी को बच्चे को गाली दी है एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज। उसके लिए उसको कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। उसको समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। नरेंद्र मायाज है उसका नाम।